नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2018 भर्ती के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज की दो बड़ी खबरें देख लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जोधपुर भास्कर की न्यूज है और यहाँ पर देखिए आप, टीएसपी क्षेत्र के जनरल वर्ग के पदों पर एसटी की भर्ती नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में टीएसपी एरिया में जनरल वर्ग के खाली रहे 1100 पदों को टीएसपी एरिया के एसटी अभ्यर्थियों से भरने के एकल पीठ के आदेश को अपास्त कर दिया, ठीक है। और अपीलकर्ता निक्की व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर नूपुर भाटी ने अपील याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने टीएसपी एरिया में विशेष रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन मांगे थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने स्पेशली 1100 पदों के लिए आवेदन मांगे थे टीएसपी के लिए। और आगे देखिए, टीएसपी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों ने एकलपीठ में याचिका दायर की कि टीएसपी जनरल वर्ग के 1100 पद खाली रह गए और उन पदों पर टीएसपी एसटी वर्ग को कंसीडर किया जाए। और टीएसपी एसटी वर्ग से यह भी तर्क दिया गया कि सरकार ने पूर्व में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 36% न्यूनतम को पात्र माना गया था टीएसपी में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, ये 1100 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसके अलावा दोस्तों, इसी कोर्ट में, जोधपुर कोर्ट में तीसरी वेटिंग लिस्ट को लेकर याचिका लगी हुई है और दोस्तों उसकी सुनवाई कभी भी हो सकती है, कोई कन्फर्म डेट नहीं है, ठीक है। यानी दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 और लेवल 1 दोनों की दोस्तों याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई है, जोधपुर और जयपुर में। दोस्तों आपको बता दूं, जोधपुर का अभी तक मेरे को कंफर्म पता नहीं है कब सुनवाई होगी, कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन दोस्तों जयपुर हाईकोर्ट में जो याचिका लगी हुई है दोस्तों, उसकी सुनवाई होगी 25 सितंबर बाद, ठीक है। 25 सितंबर बाद उसकी, शायद 25, 26 या 27 सितंबर को उसकी सुनवाई होगी, ठीक है। और जोधपुर हाईकोर्ट में दोस्तों जो याचिका लगी हुई है उसकी कन्फर्म डेट नहीं है, कभी भी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है 1100 पदों को लेकर, ऐसा ही दोस्तों आपकी याचिका को लेकर हाईकोर्ट जल्दी फैसला देने वाला है और विद्यार्थियों के पक्ष में दोस्तों फैसला देगी जोधपुर हाईकोर्ट और जयपुर हाईकोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको एक दिन डेफिनेटली खुशखबरी मिलेगी, यह आप कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और बड़ी खबर, यहाँ पर देखिए ये भी जोधपुर हाईकोर्ट से है, ये पत्रिका की न्यूज है, वो भास्कर की थी। और यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 60% से कम प्राप्तांक पर सामान्य श्रेणी में भर्ती की पात्रता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि रीट में 60% से कम उत्तीर्णांक लाने वाले टीएसपी एरिया के एसटी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करते हुए नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और दोस्तों वही न्यूज है जो भास्कर वाली थी, खंडपीठ ने इस संबंध में एकलपीठ के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए अपास्त कर दिया है और मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट तथा न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपीलार्थी निक्की एवं अन्य की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि एकलपीठ का आदेश विधि विरुद्ध है। और कोर्ट ने विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि इस भर्ती में एसटी अभ्यर्थियों को तय आरक्षण से कई प्रतिशत ज़्यादा लाभ मिला है। और दरअसल एकलपीठ में कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर करते हुए ये मांग की थी कि वर्ष 2012 में राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर एसटी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए माइग्रेट किया जाए, जिसे स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने मेरिट सूची दोबारा बनाने के आदेश दिए थे। और शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के कट ऑफ 60% तय थे, जबकि राज्यपाल द्वारा वर्ष 2012 में जारी अधिसूचना में टीएसपी एरिया में एसटी वर्ग के उत्तीर्णांक 36% मानने को कहा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस न्यूज़ में
बिल्कुल कंप्लीट न्यूज आई है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 60% से कम प्राप्तांक पर सामान्य श्रेणी में भर्ती की पात्रता नहीं है, ये जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इंतजार करना होगा रीट लेवल तीसरी वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को। दोस्तों डेफिनेटली आपको भी एक दिन खुशखबरी मिलेगी, ये भी आप कन्फर्म मान के चलिए। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।